प्रश्न नंबर एक, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक ओर एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है। आपके ऑप्शन है ए अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी आर्कटिक महासागर, डी हिंद महासागर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। प्रश्न नंबर दो, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। आपके ऑप्शन है ए गुरु अंगद देव ने, बी गुरु रामदास ने, सी गुरु अमरदास ने, डी गुरु अर्जुन देव ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव ने। प्रश्न नंबर तीन, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया। आपके ऑप्शन है ए क्लाइव, बी हेस्टिक्स, सी कैनिंग, डी कॉर्नवालिस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए क्लाइव। प्रश्न नंबर चार, महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में है। आपके ऑप्शन है ए 9,364 मीटर, बी 11,033 मीटर, सी 10,993 मीटर, डी 9,428 मीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 11,033 मीटर। प्रश्न नंबर पाँच, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। आपके ऑप्शन है ए गुरु तेग बहादुर, बी गुरु हरि राय, सी गुरु गोविंद सिंह, डी गुरु हरि किशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न नंबर छह, 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। आपके ऑप्शन है ए जर्मनी, बी भारत, सी ब्रिटेन, डी इटली। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। प्रश्न नंबर सात, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। आपके ऑप्शन है ए 3, बी 2, सी 4, डी 6। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 3। प्रश्न नंबर आठ, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया। आपके ऑप्शन है ए मध्य भाग, बी पूरा भाग, सी आधार भाग, डी शीर्ष भाग। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शीर्ष भाग। प्रश्न नंबर 9, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है। आपके ऑप्शन है ए घोड़ा, बी सिंह, सी सांड, डी हिरण। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। प्रश्न नंबर 10, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है। आपके ऑप्शन है ए कोलम संवत, बी ग्रेगोरियन संवत, सी शक संवत, डी विक्रमी संवत। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शक संवत। साथियों, हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो सभी नए YouTube चैनल वालों के लिए एक बैड न्यूज है, 240p एंड 480p वीडियो क्वालिटी मिसिंग है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये वीडियो मिसिंग क्वालिटी पुराने यूट्यूबर्स के साथ तो नहीं हो रहा है, केवल नए यूट्यूबर के साथ ही हो रहा है। जितने भी नए यूट्यूबर हैं, अपने वीडियो की क्वालिटी को एक बार जरूर चेक करें।